और चीज़ों के लिए सर अभी सेशन थोड़ी देर में शुरू करेंगे। तो सर की अगर मैं बात करूं, सर इज ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑफ सी सेट और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सर का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और सर का जो आज के टॉपिक्स हैं वो हैं हाउ टू प्रिपेयर सी सेट फॉर यूपीएससी और हाउ टू हैव ग्रिप ओवर करंट अफेयर्स। तो ये दो टॉपिक्स सर के हैं, तो इसके बाद मैं सर को अलाउ करूंगा कि दे शुड टेक ओवर द सेशन। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये मैं एक वो करूंगा कि यू शुड बी क्यूरियस, क्योंकि आप लोगों को रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं किसी अच्छे व्यक्ति से जो है वो डेली बेसिस पे जो है क्लियर कर पाएं। एक सेशन सीरीज जो हम लोगों ने चलाई हुई है वो इसीलिए थी कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं बेसिक, वो डाउट्स हम लोग सभी क्लियर कर पाएं और एक तरीके से आप लोगों को एक मंच दे पाएं। सर आपकी आवाज़ शायद, अगर आप वो नहीं है तो आवाज़ सर आपकी नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। हेलो, आप यू सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है भाई। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, आप लोग प्लीज म्यूट कर दे। देखिए, एक्चुअली जैसा कि सर ने मेरे बारे में बता दिया, बिल्कुल मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ और मैं बैचलर मास्टर इन कंप्यूटर दिल्ली से प्लस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से एंड बहुत सारी चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर बहुत जगह पढ़ाता हूँ। तो आज का जो सेशन आप लोग से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आज बाइलिंगुअल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही बोलूंगा, दोनों मीडियम के बच्चे को समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, आज बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा सी सेट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, एक मिनट, कोई नहीं, इसी को रखते हैं। ओके, तो आज हम लोग तीन चीज पे बात करेंगे। लिटिल बिट, प्लीज 1 मिनट। ओके, आज हम लोग तीन चीज पे बात करेंगे। फर्स्ट सी सेट, जैसा कि आप लोगों को पता था कि सी सेट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और सेकेंड करेंट अफेयर्स ना, कैसे प्रिपरेशन किया जाए। और थर्ड थोड़ा सा बेसिक प्रीलिम की करेंट अफेयर्स का यूज कैसे करते हैं, पीटी में, मेंस में, डिपेंड भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मैं तीन मुद्दे पे आज चर्चा करूंगा और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इसके बाद सेशन के बाद पूछेंगे लास्ट में। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसकी पैटर्न देखते हैं सी सेट को, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले रणनीति होना चाहिए। जैसे सी सेट बहुत बच्चे को लगता है कि सी सेट इज वेरी हार्ड, तो सी सेट इज वेरी इजी ना, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद इन सेकंड। अब बोलिएगा सर कैसे सेकंड में सॉल्व करें, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस जाना, क्या जाना, सिलेबस मतलब इसके सिलेबस को समझना है कि आखिर सिलेबस क्या है। अब देखेंगे सिलेबस की बात करें, जैसे यहाँ पे सिलेबस से पहले यहाँ पे एक पैटर्न बताते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2019 का, यहाँ पे 2019 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, बहुत बच्चे को पता भी होगा, यही चाल समझ के चलता हूँ कि इसमें 80 क्वेश्चन होता है ना, सिलेबस तो सबको पता होगा। और इसमें जो 33% लाने होता है, ठीक है, और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, बहुत ईजी होता है सी सेट इज वेरी वेरी इजी, ये समझना। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको ये पता लगेगा। और सी सेट में 3 सेक्शन होते हैं, एक तो होता है रीजनिंग ना, प्लस मैथ्स एंड प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं बता दूं कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा टेक्निक काम करता है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं हर चीज। ओके, जैसे मान लेते कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेता है तो सबसे पहले रीजनिंग, मैथ और आर्ट्स, ये छोटा सा टॉपिक है। अगर यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है तो रीजनिंग मतलब ऐसा नहीं कि यू आर कमिंग फॉर द क्लर्किंग जॉब, यू आर कमिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। और यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल और लॉजिकल टाइप से सोचना है। जैसे मान लेते आपके सामने कोई सिचुएशन दे देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का क्वेश्चन दे देगा, आप अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मेरी आवाज शायद आ रही होगी अच्छे से। ओके, तो वहाँ देखेंगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो काफी लॉजिकल पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, कम से कम अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये लगभग 60% रीजनिंग में, 60% एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन हो जाता है। और मैथ, मैथ जो आगे सबसे पहली बात, तो मैथ सुन के बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि मैथ मतलब बहुत ही हार्ड है ना, बीटेक वाले या साइंस वाले हैं तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है, मैथ में बिल्कुल यहाँ पे बेसिक न्यूमेरेसी की बात होती है। जैसे कि मैं अपना जो बुक भी है मैंने जो पब्लिश किया है ना, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि देखिए ये बुक है ना, ये जो ना ये बुक है, ये मेरा बुक है, एक मिनट आपको स्क्रीन पर दिखेगा ना, तो ये भी देखिए यहाँ पे देखिए अविनाश मिश्रा जी हैं और हम हैं, ये दोनों मिलकर हम लोग काफी मेहनत किए हैं तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि जो प्रैक्टिस जो सेट बनाया जाए जो यूपीएससी के रिलेवेंट हो। ठीक है,
और ये ऑफ ब्रिज पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुआ है और काफी फेमस भी हो गया ना, जैसा कि मार्केट में रिव्यू आई है। तो ये तो इसमें मैंने यही चीज बताया कि जैसे मैथ्स हो, मैथ्स वेरी इजी, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और यूपीएससी जो है आपसे कैलकुलेशन नहीं मांगेगी, जैसे आप लोग बच्चे समझते हैं कि अगर मेरी परसेंटेज की बात करते हैं, जैसे मन में परसेंटेज आता है आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसके लिए हम क्या करते हैं परसेंटेज का एक अच्छा सा चैप्टर खोजते हैं, अच्छी सी बुक लेते हैं और 1000 क्वेश्चन कम से कम बना जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने सिलेबस भी यहाँ दिया, सिलेबस में देखिए सिलेबस में मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंप्रीहेंशन इंग्लिश और हिंदी दोनों पैराग्राफ दिए होते हैं, लेकिन जो भी पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे 2019 का क्वेश्चन पेपर ले लेंगे उसमें इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम एग्जाम होता है वो आपको बस चेक करने का होता है कि आप लॉजिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज आपके पास या नहीं है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको रीजनिंग आती है मैथ आती है इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए सिलेबस में थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एथिकल रीजनिंग ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग में ये जो टर्म फॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, ब्लर ये जितने भी आते हैं इसके लिए आपको यूपीएससी का प्रीवियस पेपर देखना चाहिए, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता दूं कि सिलेबस के साथ साथ ना सिलेबस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर जो देखना चाहिए। अब देखिए प्रीवियस पेपर में प्रत्येक बच्चे को बोलता है कि प्रीवियस पेपर, और ये जो बुक है उसमें प्रीवियस एंड प्रैक्टिस पेपर ही है ना, ठीक। इसका नेक्स्ट बुक जल्दी आ रहा है ना, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा मार्केट में, कॉम्प्रिहेंसिव बुक आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे प्रीवियस पेपर को एक मतलब न्यू तरीके से इसमें सॉल्व किया हूँ, मतलब इसे प्रैक्टिस पेपर भी दिया हूँ, यूपीएससी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दिया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीवियस पेपर बिल्कुल सबको सॉल्व करना चाहिए, और अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डर लगे सीसेट की, सीसेट का प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे और उसको देखेंगे कि वो बन पाता कि नहीं बन पाता। उसमें 80% में किसी भी बच्चे से लगभग 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और लाने कितने होते हैं 30% आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं है ना जितना मैंने अभी बताया, लेकिन आसान है बिल्कुल। तो ये 33% कैसे लाया जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस के साथ, जैसे मान लेते हैं हम एक पजल ले लें, पजल टॉपिक ले लें। अब पजल जैसे ले लिए तो इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, मेरी क्लास में भी या यहाँ ट्यूशन कोई सर के एक्सपीरियंस के थ्रू भी आपको पता होगा कि बहुत सारे जॉब में रहते हैं ऑलरेडी। वो जब स्टूडेंट आते हैं तो पहले जो जॉब में जैसे बैंक एसएससी या क्लर्क के ऑफिसर के जॉब में होते हैं उस तरीके से सोचना शुरू करते हैं इस टाइप का। लेकिन यूपीएससी का पजल होता है या एक एक टॉपिक काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन मैथ का सबसे पहले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं आप ध्यान से देखेंगे कि मान लेते हैं एक छोटा सा प्रोडक्ट ए है और छोटा सा प्रोडक्ट टू बी है, ठीक है। मान लेते इसमें ये 2018 का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक परसेंटेज से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है, वो दिया गया था ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 10% प्रॉफिट ना, ये दिया गया था, बी 1% लॉस ना, 1% प्रॉफिट ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लिखता हूँ, और डी नन ऑफ दिस या नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। बहुत सारे बच्चे का आंसर डी आ जाएगा, लेकिन पता है इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा बी होगा ना, बी होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो क्या आप आपसे कैलकुलेशन करवाती, बिल्कुल नहीं करवाती। आप इसके साथ देखिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, इस छोटे से फॉर्मूला से आपका परसेंटेज का यूपीएससी का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो मैं इसी तरीके से ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस अगर दिखे आपको, हमारी ब्लड रिलेशन दिखे, पजल दिखे, मैथ का डेटा डेफिनेशन दिखे, डेटा सफिशिएंसी दिखे, कुछ भी दिखे, तो आपको डरने की बात नहीं, आपको बिल्कुल प्रीवियस पेपर को क्या करना है, एक बार अच्छे से देखना है प्रीवियस पेपर को, ठीक है। और प्रीवियस पेपर को देखने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे परसेंटेज से, तो परसेंटेज से अभी मैंने बताया, तो परसेंटेज से 100 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 1000 टाइप हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी पूछना चाह रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछना चाह रही है उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्या करना, सॉल्व करना, उसी टाइप को प्रैक्टिस करना। मतलब सिलेबस के साथ साथ आपको एक बाउंड्री मेंटेन करना, सरकमफेरेंस के अंदर रहना, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना, ट्रिक मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैथ का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं मैथ्स में डर लगता है रूट कहीं पे आ गया, जैसे डायरेक्शन सेंस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रूट में आते हैं ना, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे 2537 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ इतना से, आप कोई भी नंबर ले लो,
इसको कितना देर मल्टीप्लाई किया, ये सब कैलकुलेशन वहां पर टेस्ट किया गया। आज तक 2011 से लेकर 2019 तक 9 ईयर जो सीसेट का एग्जाम हुआ, सीसेट का पेपर हो चुका, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको कैलकुलेशन डेटा सब्सक्रिप्शन जी डीआई में चेक किया गया, कैलकुलेशन बहुत कम रहा था। अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप लोग सोचेंगे 0 0 0 कर दें, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना, जैसे इसमें अगर हम सॉल्व करते देखिए ट्रिक 2536 हो गया, इसे लेस कम कर दी, 1 कम किए और इससे जाके इसको सब्ट बस कर देना, ये आ जाएगा 3, ये 6, ये 4, ये 6, पूरा आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर से देखेंगे आंसर हो जाएगा, बोलेगा सर कहीं नहीं अप्लाई हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है सर, क्रैक कर रही है। ओके ओके, अब आ रही है सर? जी जी जी, अब सही है। यस सर, अभी नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नहीं, मेरी तरफ तो क्लियर है एकदम, वाईफाई है सर। सर 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 आवाज आने में सर प्रॉब्लम हो रही है सर, नेटवर्क इशू चल रहा है इधर। मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है आपको बाबू? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ओके वेरी गुड। देखिए तो आप लोग को जैसा मैंने एक चीज बताया सिलेबस, ध्यान से देखिए, जल्दी बहुत सारा चीज बताना है। दूसरा चीज मैंने बताया प्रीवियस पेपर, आप लोगों को एक बुक भी नहीं खरीदना, एक रुपये भी खर्च नहीं करने, सीसेट के लिए डर नहीं लगना, सीसेट इज वेरी वेरी इजी, मैं बता रहा हूँ एज ए फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल टीचर के तरफ से, मैं ये बता रहा हूँ सीसेट इज वेरी इजी, डरना बिल्कुल नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से देखना और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। 2011 से जब सीसेट शुरू हुआ था तो 2011 पेपर में देखेंगे बहुत सारा चीज जो आएंगे आपको लगेंगे पूरा अठपटा, मतलब मिक्सचर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए ये दोबारा कभी नहीं पूछे गए, पता आप बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में आ गया, 2011 में पूछा गया तो 2012 में नहीं पूछा गया, 2019 तक नहीं पूछा गया, तो आखिर इट इज अदर तो सिलेबस। बट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ओनली वन ईयर, दैट इज कॉल्ड 2011। 2011 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछे गए जो 2019 तक उसके बाद कभी नहीं पूछे गए। मैं ये बताऊंगा 2019 से आप लोग शुरू करेंगे और 2012 तक का पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, इसी को हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक चीज आप बोलेंगे सर 2011 से पहले क्वेश्चन नहीं था क्या? 2011 से पहले सीसेट का क्वेश्चन आता था ना, उसमें तीन क्वेश्चन आते थे जीएस पेपर के साथ, लेकिन उसके बाद एक अलग पेपर बना दिया गया। और जब इसकी तैयारी की बात आती है तो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा था कि सबसे पहले सिलेबस और दूसरा प्रीवियस पेपर। अब सिलेबस को अच्छे से देखने के बाद प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना सीसेट के लिए, सीसेट के लिए कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती, सेल्फ स्टडी से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई टीचर कुछ नहीं, लेकिन आपको जो भी गाइड होगा पीयूष सर बिल्कुल प्रोवाइड कर पाएंगे ना। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या होगा कि सबसे पहली बात कि सिलेबस प्रीवियस पेपर देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करना। अब बात होती है प्रैक्टिस कहाँ से करें ना, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, बिल्कुल ले लेना। आपको ये बुक अगर मन हो ये ले भी लेना, अगर नहीं लेना है तो आपको प्रीवियस पेपर को ही सॉल्व करना, प्रीवियस पेपर को ही अगर सॉल्व करके जाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है ना। लेकिन एक चीज मैं बात बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा लाइटली इसलिए नहीं लेना है, आवाज आ रही है, आप लोग कोई भी डाउट होगा कुछ देर के बाद आप लोग को पूछना, ठीक है। तो इसमें पहली बात रीजनिंग प्लस मैथ प्लस आरसी, अब आरसी की भी बात करता हूँ थोड़ा सा, और वॉइस क्रैक कर रही है आपकी थोड़ा सा। सुधांशु सर आर यू देयर? सर जी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद, कंटिन्यू करेंगे सर अभी थोड़ी देर में। मौसम मौसम खराब है सर इसलिए। देखिए तब तक सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जो है अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आई थिंक सीसेट आप लोगों के लिए बहुत से लोगों के लिए जो है हर्डल है। सर दोबारा से ज्वाइन हो चुके हैं, तो ये सीसेट का जो पोर्शन है वो पूरा पूरा सर आज जो है आप लोगों के लिए इजी करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बहुत से बच्चे देख रहा हूँ सीरियसली सेशन को सुन रहे हैं, तो जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए शायद ये चीज़ ये मौका उनको दोबारा ना मिले कि आपको किसी टीचर के द्वारा जो है ये बताया जाए कि कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि आप सभी ऐसे एरियाज से आते हैं जहाँ पे आपके लिए शायद चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। बट आप लोगों के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल फ्री आपके लिए ये सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है तो आपको उस चीज़ का फायदा लेना चाहिए। और अगर आप नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं कई बार किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा रही होती है, बट उस टाइम हम सो रहे होते हैं इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल
अगर अभी तक भी आप लोग पेन और कॉपी नहीं लाए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन टेक योर पेन एंड कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट एवर सर इज सेइंग, क्योंकि सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है सीसेट के साथ, कई बुक्स सर ने लिखी हैं, इसके अलावा जो है काफी चीजें सर लगातार सेशंस ऐसे कराते रहते हैं और सर की मतलब कंटिन्यूस हमें हेल्प मिलते रहती है और उन्होंने आगे भी हम लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि वेन एवर वी नीड देम दे विल बी विद अस। तो आप लोगों को जो है चीजें वो है नोट करनी चाहिए, क्योंकि सर का भी 6 बजे से करीब फिर दोबारा से सेशन है, बट फिर भी सर ने अभी हमें टाइम निकाल के दिया, क्योंकि मैंने बोला कि बीच में सेशन तो आज किसी और का था बट आप लोगों के डाउट्स जो आ रहे थे सीसेट के ज्यादा आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आज सेशन जो है सीसेट का लगा दिया ताकि आप लोगों के जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो सर आई आस्क यू टू टेक ओवर द सेशन अगेन, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था शायद। ओके ओके, तो मैं सर चाहूंगा कि बच्चे लोग डाउट पूछना शुरू करें, मैं उसके अनुसार समझ में आएगा कि क्या बच्चे लोग चाहते हैं। जी, जो भी डाउट पूछना चाहता है वो रेज हैंड करेगा और यहाँ से म्यूट करेगा अपने को, क्वेश्चन पूछेगा और फिर से अपने आपको म्यूट कर लेगा, जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक एक कर आप लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स बताना था, इसलिए आप पूछ लीजिए। जी, जिसको भी क्वेश्चन है वो वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वो रेज हैंड कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनके भी डाउट्स हैं। आस्तिक जी, आपका कोई डाउट हो? सर, सीसेट में रीजनिंग का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे आपका क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए, ये स्लाइड आपको दिख रहा होगा ना, इसमें जो है रीजनिंग जो और मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रीजनिंग के रीजनिंग प्लस लॉजिकल प्लस एनालिटिकल, ये तीनों को एक साथ हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग बोलना सही नहीं रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग बोलना सही रहेगा। इसमें लगभग मतलब रीजनिंग मिला के लगभग 25 से 28 क्वेश्चन, मैथ के लगभग 22 से 25 क्वेश्चन, ये वेरी करते रहता है, लेकिन यही इसी के बीच रहेगा 25 प्लस। और जो इंग्लिश आरसी है, जिसको आरसी हम लोग बोलते हैं, वो लगभग 22 से 25 इसके बीच वेरी करता है। तो ये सभी सेक्शन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए किसी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना। और रीजनिंग और मैथ जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आरसी को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आरसी में क्या होता है कि आप जब बनाते हैं क्वेश्चन और इसका एग्जैक्ट नहीं होता कि आप जो ऑप्शन ले रहे हो वो सही होगा, लेकिन रीजनिंग मैथ में जो भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आपको सही होगा और यूपीएससी का आंसर भी सही होगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ की जहां तक बात हुई 25 से 28 क्वेश्चन आई थिंक आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सर, हमको कुछ पूछना है सर। यस सर, यूपीएससी लाइन के बारे में कुछ पूछना है सर, यूपीएससी का तैयारी कैसे करें सर? किस चीज का, फिर से बोलेंगे आप? सर, यूपीएससी के बारे में पूछना है, यूपीएससी के बारे में कुछ टॉपिक समझना है सर, जैसे हम ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में है सर, यूपीएससी लाइन में जाना है हमको सर। अच्छा, यूपीएससी लाइन में जाना ना। यूपीएससी के लिए देखिए, हम सबसे पहली बात, यूपीएससी के लिए दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू, बहुत सेमिनार आप लोग का हो चुका है, सर दे चुके हैं, तो हम अपने थोड़ा सा बता देंगे कि यहाँ पे पेपर वन में जीएस होते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे जब करंट अफेयर्स चर्चा करेंगे तो जल्दी से, और उसके बाद जो जीएस टू होते हैं उसको सी सेट बोलते हैं। तो सी सेट एक क्वालिफाइंग होता है और जीएस वन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आपको एक अच्छे से कट ऑफ पास करने होते हैं। इसके लिए सर क्या कीजिए, सर का मतलब जो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम सर स्टार्ट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, या आप सेल्फ स्टडी जो भी हो, जहां से भी जैसे हो तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस चेक कीजिए कि सिलेबस आखिर क्या, एक डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी की साइट से सिलेबस, और सिलेबस देखिए क्या वो क्या क्या कंटेंट है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर्स का आता है। देखिए, आपको मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ठीक है आप? ओके, मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। ओके सर, इसके लिए आप तैयारी नहीं करवाते हैं सर? इसके लिए तैयारी होता है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज और बताते हैं, इसमें जो है यूपीएससी निकालना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के 5-5 साल से तैयारी करते हैं, वो नहीं करना आपको। आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ पे कीजिए कि एक ऐसे बच्चे जो आई स्मार्ट तरीके से, मतलब एक ऐसा रणनीति बनाए जिससे आसानी से आप क्वालिफाई कर ले, ठीक है। उसके लिए आप इलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तरीका आप अपना के आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए तैयारी आप एनसीईआरटी लेवल से शुरू कर सकते हैं, एनसीईआरटी को जो बुक होते हैं जो सब बताते हैं, यही मैं भी यही बताता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में जो कुछ बुक होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसको पढ़िए, और प्रीवियस पेपर को जोर देखिए। उसके बाद देखिए प्रीवियस पेपर क्या पूछा गया था, लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, इससे पहले क्या पूछा गया था, और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा, ठीक है, ये सब आपको देखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बृहद क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करना मुश्किल है अभी। नेक्स्ट बच्चे। सर जी, मुझे पूछना है। हेलो, पूछिए। हां, अच्छे से केवल करिए सर, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम सुधांशु कुमार है ना, आप गूगल में डालेंगे सुधांशु कुमार आ जाएगा ना कहीं पे, सुधांशु कुमार ना, सीसेट भी डालेंगे, सीसेट से भी काफी फेमस है, सुधांशु कुमार सीसेट पर डालना, ठीक है जी, हम चेक कर लेंगे सर। जी सर, हम बिहार से हूँ इसे। जी सर, जी सर, जीएस का किस चीज के बारे में पूछ रहे आप? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि रीजनिंग का है और मैथ का टॉपिक है, तो आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए। हाँ हाँ आ रही है आवाज आ रही है सर।
मैं कह रहा हूँ सी सेट का जो पेपर, मैं कह रहा हूँ जो सी सेट का पेपर होता है वो सी सेट वाले पेपर में मान लीजिए मेरा अगर मैथ वीक है या मान लीजिए रीजनिंग वीक है, तो अगर कोई स्ट्रांग है तो अगर मैं मैथ मान लीजिए स्ट्रांग हो गया या रीजनिंग स्ट्रांग हो गया या आर्ट्स स्ट्रांग हो गया, तो कोई एक सब्जेक्ट वो सिविल सर्वेंट्स का सेशन है तो उसकी तरह बिहेव करें तो बेटर है। आप लोग लिखेगा तो मैं यहाँ से मिटा नहीं सकता हूँ, आप लोग लिखेंगे तो मैं यहाँ से बिल्कुल मिटा नहीं पाऊंगा, ओवरराइट होगा, थोड़ा ध्यान से ध्यान देंगे आप। उसको इरेज कर लीजिए जिसने भी वो स्क्रीन पे राइट किया है। रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव प्लस आर्ट। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि रीजनिंग अगर कोई ओके आपने जो क्वेश्चन पूछा कि रीजनिंग क्वांटिटेटिव एटीट्यूड एंड इसमें से कोई एक सेक्शन पढ़ने से अगर किसी बच्चे का मैथ्स हार्ड है, मैं एक चीज बता कि मैथ्स इज वेरी इजी, मैथ्स आपको हार्ड इसलिए लगता क्योंकि आप एकदम अदर एग्जाम की तरफ से सोचते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैथ बहुत इजी है, ठीक है। आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, ठीक है, स्क्रीन पर प्लीज ना लिखे फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आसान ही लगेगा। मैं यहाँ पे आपको एक सजेस्ट, आपको जो जो टॉपिक क्लियर है ना, जो जो टॉपिक आपको आता है, जैसे मैं अगर डायरेक्शन सेंस की बात करूँ ना, डायरेक्शन की बात करूँ ये इसी लगभग फाइव क्वेश्चन प्रति क्लियर आते हैं, फाइव क्वेश्चन। अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस से, ये सब क्वेश्चन प्रति क्लियर आते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक देख ले, ठीक है, और ऐसा कभी मत करें कि रीजनिंग को पढ़ ले, मैथ को छोड़ दे, मैथ को पढ़ ले, एक टॉपिक एक सेक्शन को अच्छा कर ले। इससे क्या होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो सोचेंगे वही यूपीएससी उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ, थोड़ा सा आप ईयरफोन यूज कर लीजिए सर, क्योंकि वॉइस बीच बीच में क्रैक कर रही है। ओके ईयरफोन, ओके प्लीज वेट। हेलो जी, बैठ कीजिए। तो सुन पा रहे सर? वेट कीजिए, जिसने भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो प्लीज इरेज कर लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ से उसको मीटिंग से ही बाहर कर दे रहा हूँ। जी सर, जिसने भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो स्क्रीन इरेज कर ले अपनी। सुन पा रहे हैं सर? जी जी, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक मिनट रुकिए, हम मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कि एक मिनट रुक जाइए। एक बार ईयरफोन सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, अगर ऐसे सुन ले तो ठीक है, सुन पा रहे हैं इस तरह से? जी सर, एक मिनट, मैं कुछ और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, आप पूछिए, आपको मैंने बता दिया। मैं कुछ और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए पूछिए। एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ जैसे कि यूपीएसआई की तैयारी होती है तो वहाँ पर 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से 20-20 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, 20-20 नंबर सब में से मिलना है। तो क्या सीसेट वाले पेपर में रीजनिंग और मैथ और आरसी जो आप बता रहे हैं उसमें से मान लीजिए कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट से अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो कोई निकल सकता है कि नहीं, या कि कंपलसरी है, मैं ये जान सकता हूँ आपसे? देखिए एक चीज बताते हैं, देखिए सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन जो मैं समझ चुका हूँ, आप बिल्कुल तो पहले कॉन्फिडेंट रहिए, डरना बिल्कुल मत छोड़ दीजिए। मैथ से देखिए मान लीजिए आप किसी भी से, हाँ अगर आपको लगता है कि स्ट्रांग, जैसे कुछ टॉपिक मैथ कर रहा हूँ सर। हाँ ओके मैं समझ गया आपको क्या करना है बाबू, आपको कुछ टॉपिक उठा लेना, जैसे रीजनिंग से, रीजनिंग में ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक से प्रत्येक साल प्रत्येक ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक ईयर, ठीक है। वैसे टॉपिक को आप क्या कीजिए, एक प्रीवियस पेपर से लिस्ट बना लीजिए कि उसी टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। और मैथ में भी ये काम कर लीजिए, मैथ में उसी टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए जिससे आप बना सकते हैं और जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जहां से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तरीका अगर करते हैं तो मेरे को लगता है कि आप पूरा टॉपिक कवर नहीं भी करके आप आसानी से इसको 33% ला सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि प्रत्येक टॉपिक को, रीजनिंग को, मैथ को, दोनों सेक्शन को अच्छे से देखिए। और इसमें जैसे मान लीजिए रीजनिंग, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका कोई एक टॉपिक अच्छा ना, जैसे मान लीजिए मैथ में नंबर सिस्टम तो आता ही होगा, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ में आपके परसेंटेज एक ही फार्मूला लगता है, ये फार्मूला को अभी याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन इस बार भी आएगा अगर इस बार आप दीजिएगा तो, और इससे क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आता है, ठीक है। जहां पे दो प्रोडक्ट की बात होती है, एक
वन दूसरा प्रोडक्ट टू, कहीं भी किसी भी तरीके से ये। अब मान लीजिए इस टाइप का अगर आपको गाइडलाइन मिल जाता है तो आप आसानी से क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि ओनली रीजनिंग से पढ़ के अगर पास कर जाए, ओनली मैथ से, ओनली आरसी से, ये मैं बोलूंगा ये सही अप्रोच नहीं मतलब सीसेट। सीसेट के लिए सही अप्रोच यही है कि कुछ पार्ट को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक सेक्शन में कुछ कुछ टॉपिक को आप उठा लीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है या जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पॉइंट नोटेड, या टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको पजल हार्ड लगता है तो पजल हार्ड के बदला डायरेक्शन सेंस आप यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्शन यूज कर सकते हैं ना। जैसे डायरेक्शन में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन अगर दिखा देखिए, मैं एक मिनट, ओके आपके स्क्रीन पे आप लोग ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसे अब देखिए डायरेक्शन से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे देखिए अब ये जो डायरेक्शन का जो है क्वेश्चन, अब मैं मतलब यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शन सेंस में मैंने ये बताया, जैसे देखिए डायरेक्शन सेंस में क्या पढ़ना, ये जो पार्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन से पक्का कंफर्म अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूपीएससी कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। प्लीज ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, आ जाएगी समझ में, ठीक है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड, आपको क्या करना है टॉपिक को पिकअप करना है, उसके ट्रेंड को समझना कहां से आएगा, इसके डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछे हैं। मैं ये बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि टॉपिक को बिल्कुल छोड़िए मत, ठीक है, सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश कीजिए। किसी को मैं इतनी नहीं है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट करेगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछेगा फिर म्यूट कर लेगा दोबारा से। बिल्कुल 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 जी, सेशंस का जैसे शेड्यूल फॉलो होता है वैसे फॉलो कीजिए। हाँ तो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछता तो हम एक चीज बताते हैं सब, तब तक आप लोग क्या करना चाहिए, एक एक टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है। वो अगर कभी टाइम मिलेगा तो पीयूष सर के साथ सेशन में हम टॉपिक का लिस्ट बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से उस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है। इससे क्या हो कि मैं आपको बोलता हूँ, पूछिए पूछिए क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसको जो क्वेश्चन हो। सर हम बोर्ड, हेलो जी सर, हम बोल रहे थे सीसेट में जो जीएस जीएस पेपर आता है ना प्रीलिम्स में, सीसेट का जीएस, हाँ जीएस, तो पेपर वन वो जीएस कहाँ से स्टार्टिंग करें, जैसे ओके ओके जो जी क्या आता है ना सीसेट का प्रीलिम्स का जीएस का। देखिए एक चीज बताते हैं जीएस के लिए, आपका बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा समझाते हैं। जीएस वन जो है ना वो निकालना बहुत ईजी है ना, जैसे मैं जीएस पेपर सी से पढ़ाता हूँ, जीएस का करंट अफेयर्स मेरा जो आज का टॉपिक दिया गया सर की तरफ से, तो मैं उसी में बताऊंगा जीएस जो है, जीएस बहुत ईजी है। आप बोलेंगे सर जीएस निकालना ईजी रहता तो सब बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ टेक्निक मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक मेरा है अपना, आपको ये मिल जाएगा, देखिए आपको स्क्रीन पे अब दिखेगा, आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ कुछ लिखे तो उसको मिटा देते तो अच्छा होता, ये थोड़ा सा इसमें वो नहीं आ रहा ऑप्शन की पता चल जाए अदरवाइज। ओके ओके देखिए देखिए ये जैसे मान लीजिए जीएस का पेपर को होगा तो उसमें मैं एक चीज पूरा ध्यान से दो मिनट आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे समझेंगे अच्छे से, ठीक है सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर से ऑन करूं क्या, उससे क्या पता वो हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर से कर दीजिए। ओके 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 आप ट्राई कीजिए सर। यस क्लियर है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा और आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे सर, आपको जीएस से डर खत्म हो जाएगा, सीसेट से डर खत्म हो जाएगा, उस तरह से जीएस से भी डर। ये देखिए क्वेश्चन पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर है। आप बोलेगा सर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें कैसे करें, ये जैसे देखिए क्वेश्चन पेपर ये बाई मी मेरा नाम यही है सुधा, आप जैसे आर्टिकल जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ विच आर्टिकल ऑफ द कंस्टिट्यूशन, ये आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ये सब पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा पॉलिटी का जरूर है लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, यही आर्टिकल यहाँ पे 1921-22 आर्टिकल, इसका जो आंसर होगा राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, द आर्टिकल 21 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, बस आई वुड लाइक टू क्लियर दैट आर्टिकल 21 इसलिए पूछी थी। देखिए आपको यहाँ पे पेपर का कटिंग दिख रहा होगा द इंडियन एक्सप्रेस का, ये न्यूज में था वन ईयर, तो मैं बता रहा हूँ वन ईयर जो भी वन ईयर तक मतलब बोल सकते वन ईयर 14 मंथ पहले तक जो भी न्यूज में रहे उसी को आपको फॉलो करना जीएस के लिए। आप बोलिए सर करेंट अफेयर्स, मैं बोलूँगा करेंट अफेयर के साथ साथ आप जीएस स्टेटिक में भी काम करेगा, जैसे देखिए ये था 10th अप्रैल 2018 को ये पब्लिश हुआ था ना, और एक हदिया केस था उसके बारे में बताया गया था, ठीक है।
तो आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसका मैंने लिंक भी यहाँ पे दिया इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि पीएनवी मतलब ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी होती, ये जो क्वेश्चन ये भी देखिए कहाँ से पूछा गया, किस न्यूज में था, देखिए ये जो आप देखेंगे लिंक पे, तो मैं बता रहा हूँ कि वन ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर। अब एक क्वेश्चन और देखिए कि रिसेंटली इंडिया साइन ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रिटराइजेशन इंप्लीमेंटेशन कॉपरेशन एरिया। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मैं क्वेश्चन नहीं बनवा रहा हूँ, मैं आपको जीएस का टेक्निक बता रहा हूँ कि जीएस कहाँ से कवर करना। अब देखिए ये जो आया इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये 5th अक्टूबर 2018 को पेपर में पब्लिश हुआ था, अभी द हिंदू में आया था, द हिंदू से डायरेक्ट उठा लिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूपीएससी उसी क्वेश्चन को पूछती है जो लास्ट 14 मंथ में आते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस कि आप लास्ट 14 ईयर मतलब अगर अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी से पिछले, अब तो पहले से आप अप्रैल से लेकर अगले साल तक का पूरा अच्छे से तैयारी करेंगे। उस बीच में जितने भी न्यूज आए होंगे, जितने भी देखिए अक्टूबर 5 का है और 2 जून को लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम हुआ था, और ये जून आई थी कि 9 मंथ पहले का न्यूज का है। ठीक है, ये देख लीजिए, और मैं इसका लिंक भी दिया हूँ, देखिए ये जो लिंक है ये आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था। मैं ये कहने का अर्थ है कि जीएस की तैयारी के लिए सबसे पहले आप न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, कोई भी द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो किसी भी कोचिंग का कहीं का मैनुअल पढ़ सकते हैं, या कोई भी हिंदी में मतलब कोई भी ऐसे हिंदुस्तान आते हैं, दैनिक जान आते हैं, तो उसका एडिटोरियल पेज बस पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, और जो भी न्यूज होते हैं जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो न्यूज पेपर एनालिसिस करके देते हैं, उसको जरूर आप लोग देखिए, ये आपको आसान बनाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन इंडिया रशिया के बीच में था ना, ये देखिए न्यूज में था, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन था देखिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट उस ईयर हुआ था, लास्ट ईयर बात करें जब यूपीएससी का एग्जाम था उससे पहले का, उस इसका सरकारिया कमीशन होगा आंसर, ये कमीशन के बारे में यूपीएससी क्यों पूछी, आप पेपर में आगे यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन क्यों पूछी, ये मैं सोर्सेज बता रहा हूँ बाबू आप लोग को कि आपका ये क्लियर हो कि पढ़ना क्या, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इसका लिंक दो हिंदू का लिंक मैंने दिया हूँ, ठीक है ध्यान से देखेंगे। साथ साथ देखिए अब आरबीआई से मोस्ट यहाँ पे एक्सटर्नल डेबिट का क्वेश्चन आया, ये कहाँ से पूछा गया, ये देखिए यहाँ पे आरबीआई के साइट पे जाके ये चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज, यस देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन को यहाँ पे अलग हटा रहा हूँ, ओके तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है तो लास्ट 14 मंथ का आप तैयारी करेंगे जीएस के लिए, और बचा बस पॉलिटी हिस्ट्री जो भी चीज आ गया, तो मैं ये बताऊँ करंट अफेयर्स करंट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट न्यूज अगर आप नहीं देखते, अगर पॉलिटी में जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो उत्तराखंड का भी न्यूज था और हल्दिया केस में भी था, तो हदिया केस में था तो वो वहां से उठा के पूछ लिया गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीसर तो इसे आसान है, सीसर तो मेरे अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं, सीसर तो निकलवा ही देंगे, लेकिन अगर जीएस की बात करें तो जीएस में बिल्कुल मैं करंट अफेयर्स और ये जब टॉपिक जो है निकालने का तरीका, और मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, पार्ट वन ये देखिए, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये मेरा इलिमिनेशन टेक्निक है। ठीक है, आप देखिए इलिमिनेशन टेक्निक, जैसे कोई क्वेश्चन को अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से 2 मिनट देखेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, एक मिनट मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ओके अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके सामने 2 रास्ता होता है, या तो उस क्वेश्चन के बारे में आपके पास नॉलेज हो, या तो उसके बारे में आपको इलिमिनेशन टेक्निक पता हो। आज मैं जो इलिमिनेशन टेक्निक बताने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी फैंटास्टिक टेक्निक, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बीपीएससी विद इन 1 सेकंड विदाउट द नॉलेज। बोलेगा सर विदाउट द नॉलेज, मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे चार्ट है, ठीक है मेरा यहाँ पे चार्ट आप देखिएगा कि ओनली ना, एक मिनट हाँ, ओनली ऑल, ये जो भी कीवर्ड लगे रहेगा वो ये मेरा पूरा रिसर्च किया हुआ है। ठीक, इस पर भी मेरी बुक आ रही है बहुत जल्दी ना, एक आईएएस ऑफिसर के साथ, मैं उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे टॉप 10 में रहे, उनके साथ मेरी बुक अभी जल्द आ रही है ना, ये इलिमिनेशन टेक्निक पे, ये मेरा ये इसमें मैंने 50 प्लस रूल मैंने बनाया है, और ये मार्केट में आती काफी आप लोग हेल्प करेगी यूपीएससी को समझने में। तो देखिए ये जो कीवर्ड वल्ली है, ऑल है, ऑलवेज है, मस्ट है, नन है, कांट है, ये यहाँ भी रहे तो एक्सट्रीम वर्ड होता है, वो ऑलवेज गलत होता है। ठीक है, अब कहीं भी क्वेश्चन है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन ये 2016 का क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ऑल लगा हुआ, ये ऑल हाईलाइट मैं किया हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं किया हुआ। अगर इस क्वेश्चन को स्टूडेंट 2 तरीके से बना, या तो उसको इसके बारे में नॉलेज पता हो, या दूसरा उसको इलिमिनेशन स्मार्ट तरीका हमारे अंदर में, या किसी ऐसी फैकल्टी जो काफी दिनों से पा रहे उनको ये टेक्निक पता हो। अगर मान लेते मेरे को नॉलेज नहीं है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन अबाउट द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ना, इट इज एन एग्रीमेंट, ये सब मेरे को कुछ नहीं पता, और ये क्वेश्चन 2016 का, अगर मेरे को बनाना है तब देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें ऑल है ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। मैंने अभी बताया देखिए ऑल वल्ली ऑल ऑलवेज, ये जहां भी कीवर्ड रहेगा वो रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग हो गया, वल्ली लगा है तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन डी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन फाइंड आउट वेरी क्विकली ना। अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन भी, अब मैं एक चीज और बता, देखिए ये एक और वर्ड में बता, ड्रास्टिकल, ये हमेशा एग्जाम में आ रहा है, ये जहां भी रहेगा वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिना बनाए हुए आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं कि हाउ कैन यू चेक द आंसर विल बी रॉन्ग। देखिए 2017 का ये क्वेश्चन है, 2017 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए, अब ये जीएसटी गुड सर्विस टैक्स का जो क्वेश्चन है, मैं तो स्पीडली बोलना, मेरे पास टाइम कम है और मेरे को बहुत कुछ बताना आप लोग को, बहुत कुछ समझाना है। ड्रास्टिकली ये होगा तो ये रॉन्ग होगा, सेकंड रॉन्ग होगा, थर्ड रॉन्ग होगा। जब सेकंड और थर्ड बाबू रॉन्ग होगा तो हम लोग क्या करना है, एक मिनट इसको मैं नीचे कर दूं ना, हाँ, सेकंड और थर्ड अगर रॉन्ग होगा तो सेकंड थर्ड रॉन्ग, सेकंड यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, बचा क्या वन, तो वन मेरा आंसर है। देखिए इलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते, ये सब एसईटी है, एसईटी मतलब स्मार्ट इलिमिनेशन टेक्निक, जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। देखिए ये जो है ये 22 सुधांशु कुमार मेरा ही नाम है, ये मिल भी जाएगा, इसमें 50 रूल प्लस हम एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम इस पे एक साइंस सेंटर का बताते हैं। देखिए सभी बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि साइंस सेंटर कहां से पढ़े, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको नोट करना चाहते हैं, एक मिनट के, एक मिनट आप थोड़ा सुन लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए कैन और पॉसिबल जहां भी रहे तो वो क्या होता है, ऑलवेज करेक्ट होता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें 9 आप सही कर सकते बिना नॉलेज का। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं 2018 का, 2018 का मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। 2018 का जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिया तो इसमें मैंने देखा यहाँ पे कैन लगा, तो कैन लगा तो क्या होगा, ये सही होगा, यस या नो, यस ये सही होगा, ठीक है। तो कैन होगा सही, इस तरीके से बोल सकते थर्ड नंबर सही होगा। इलिमिनेशन टेक्निक आपको यहाँ पे लगाने, ठीक है। अगर मान लीजिए 2015 का क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ भी देखिए पॉसिबल है और कैन है, देख के हम बोलेंगे सही है। नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उसके बारे में नो आइडिया जवाब नैनो टेक्नोलॉजी, बट आई वुड लाइक टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द सिंपल स्मार्ट इलिमिनेशन टेक्निक, देन अप्लाई पॉसिबल होगा तो क्या होगा, रॉन्ग करेंगे, कैन होगा तो क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, ये जब दोनों सॉरी ये करेक्ट करेंगे ना, कैन एंड पॉसिबल दोनों होता है तो क्या करते हैं, करेक्ट करता है। जब दोनों करेक्ट होगा तो ऑप्शन क्या होगा, सी, जिस जो मैंने यहाँ पे बता भी रखा। इस तरीके से आप जीएस को आसान बना सकते हैं, जीएस एक समुद्र है, सी है, लेकिन आपको सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये आसान लगेगा, तभी रिजल्ट आ पाएगा। ओके प्लीज स्क्रीन पे बहुत सारी आप लोग लिख दिए फिर ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है जियोम सिक्वेंसिंग, ये 2017 का क्वेश्चन है, प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन, ओके ओके वेरी गुड। हाँ आप ही लोग मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हु इज राइटिंग आईएएस, यू ऑल आर नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग एंड लर्न मच मोर, ओके, एंड थिंक हियर कि कैन लगा रहेगा तो क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, कैन लगा रहेगा तो सही करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन अगर सही होगा तो जाहिर सी बात इसका या तो सी होगा या डी होगा ना, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए रिड्यूसिंग और ये डेवलप ऑन द न्यू वैरायटीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प होगा, हेल्प वर्ड भी हमेशा क्या होता सही होता साइंस एंड टेक में, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आज जो आप लोग देखिए जीएस में तो मैंने बोला करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग 14 मंथ का करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 14 मंथ का करेंट अफेयर्स, जीएस के लिए एसईटी लगाएंगे, एसईटी करने का मतलब स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक, हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, लर्न मच मोर, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे कि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और जीएस की बेसिक बातें को सीखेंगे, बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्ट नहीं होना पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक में ना, आपको क्या करना बेसिक बातें समझने, आई थिंक समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं, हेलो हेलो, आई वांट टू रिमाइंड अगेन सभी स्टूडेंट को रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्या सीसेट का सेशन है तो आप लोग थोड़ा सीसेट पे फोकस करें, क्योंकि जीएस के लिए बहुत से सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने करवा लिया है और होंगे भी, सीसेट के लिए दोबारा नहीं आएंगे, अपॉर्चुनिटी है मोस्टली सीसेट पे ही आप लोग फोकस करो, बेटर होगा। ओके सर कंटिन्यू कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क इमीडिएटली, आई वुड लाइक टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सी। अरे सर को म्यूट कर दिया जी, सभी लोग जो भी जिसको भी क्वेरीज हैं वो अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। यस यस, मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ, अनम्यूट करें खुद को और क्वेश्चन पूछे, फिर खुद को म्यूट कर लें। अर्पित जी आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। हाँ सर, हाँ सर जा रही नहीं आवाज, और जो भी है प्रोस्पेक्टस पे आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। ओके और पूछे सर सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन कितने आते हैं, हाँ सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन कितने आते हैं पर
और ये मेरा नाम के साथ अगर डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये बुक खरीदेगा तो वैसे हमको लगता है कि आपका ये टेक्निक, इसमें मैं बताऊं टेक्निक, मैं जो भी यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ ना, मैं ये सब कुछ उसमें बताऊं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके दिमाग का जो डर है ना सीशन मैथ्स रीजनिंग ना और आरसी, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ये सब निकल जाएगा डर, ठीक है। और आप मेरे को डाउट है मतलब हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ कितने पूछे जाते हैं? हिंदी देखिए, हिंदी में जितने क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे उतने क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे, बस उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता है, ठीक है, कोई उसमें अंतर नहीं होता। दोनों में 80-80 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो दोनों सॉल्व करेंगे। आप हिंदी मीडियम से सॉल्व करेंगे? सर हिंदी से है तो क्या दोनों सॉल्व करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों? ना ना, एक मीडियम, मीडियम वन मीडियम, सिंगल मीडियम लेना होता है बाबू। कॉम्प्रिहेंशन भी हिंदी में होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी हिंदी में पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, इसको इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे, ये हिंदी में भी आता है, एक पेज हिंदी रहेगा एक इंग्लिश रहेगा। वही सर, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है तो दोनों में करेंगे ना? ना एक एक सिंगल में बनाइएगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक इंग्लिश में देगा और दूसरा उसी का एक हिंदी में देगा, तो आपको कोई एक ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, एक मीडियम को फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंगल मीडियम से क्वेश्चन को सॉल्व। तो सर हम हिंदी से हैं तो हिंदी ही सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। हाँ हिंदी, हाँ जिसमें आपको समझ में आए, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हिंदी, ओके। और आपको ये हिंदी में भी बुक आ जाएगी, आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं मन हो तो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस पेपर भी है और प्रीवियस पेपर भी है, टेक्निक भी बताया गया है वो भी आप कर सकते हैं, या प्रीवियस पेपर खुद से लेके बना सकते हैं। और स्टूडेंट और जिसके भी डाउट्स हो जी कुणाल जी, आप यस आवाज आ रही है? सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट सर आप एक बार वो डिसेबल कर दीजिए ना कि दूसरे व्हाइट बोर्ड पे ना लिख पाए, आप ऊपर एक बार पैनल में जाइए और मोर सेटिंग्स में आके डिसेबल कर दीजिए। सर को होस्ट बनाना पड़ेगा क्या कुणाल जी इसके लिए? नहीं नहीं सर, होस्ट बनाने की जरूरत नहीं, आपने जब स्क्रीन शेयर किया है ना सर जी, ऊपर आपको एक पैनल दिख रहा होगा। अच्छा मैं करूँ? नहीं नहीं, जिन्होंने स्क्रीन शेयर की है। अच्छा सर एक बार ट्राई कर लीजिए। कुणाल जी हमारे कहाँ पे जाना है सर, बताइए दोबारा कुणाल जी। अच्छा सर कहाँ पे जाना सर? जूम ऐप जो जूम का आइकॉन है नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ क्लिक किए, उसमें दिखा रहा डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन। हाँ डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, ठीक है मैंने कर दिया, ओके सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल मेंबर मींस हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर हैं। ओके ओके यू कैन कंटिन्यू। और किसी का कोई डाउट्स है तो प्लीज ले लीजिए। और कोई डाउट है या मैं खुद बताऊं? और किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट्स यू कैन आस्क, कोई भी डाउट पूछिए। पलक जी, प्राची जी, मिथिले जी, कुलदीप जी, किसी के भी, अभिषेक जी, किसी के भी डाउट्स हो तो प्लीज आस्क कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक ऑल द टाइम सुधांशु जी विल नॉट बी अवेलेबल, और ये शायद गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। सो प्लीज आस्क योर डाउट्स गाइस। देखिए जब आप लोग ने पूछे तो मैं यहाँ पे दो चीज बताऊं कि आप लोग क्या कीजिएगा घर पे जाके, मतलब घर पे जो भी बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, ओके आप लोग, मैं ये दोबारा बार बार मैं बोला प्रीवियस पेपर, मैं और कुछ नहीं बोला, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक अगर यहाँ पे देखते हैं सीसेट में, मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मान लीजिए हम देखते हैं ये डेटा एनालिसिस या डेटा सफिशियंसी, तो डेटा सफिशियंसी में जाके कोई बुक नहीं बनाना, कोई भी बुक, क्योंकि डेटा सफिशियंसी अदर एग्जाम में भी आते हैं, अदर एग्जाम में जो भी आते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन थे वो अलग लेवल के होते हैं। मैं बताऊँ यूपीएससी में जो क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी से पूछा उसी को बनाए, मतलब कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूपीएससी की लाइन लेंथ, यूपीएससी के पैरामीटर को सॉल्व करना, इसके लिए आपको इसके लिए प्रैक्टिस पेपर हो मार्केट में तो वो ले सकते हैं, या मैंने जैसा कि आप लोग का देखा जैसे यहाँ पे मेरा नाम डालेंगे सीसे मेरे आपके साथ ये खुलेगा, अमेजोन पे भी अवेलेबल है बुक ना, ये जो दिख रहा है ना ये भी बुक ले, इसमें प्रैक्टिस पेपर बहुत ज्यादा, लेकिन ये नहीं लेना तो आप प्रीवियस पेपर ही सॉल्व कीजिए, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन दे आर ओनली वन स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल कि दूसरा कोई भी बुक मत बनाना, बुक बनाना ही है, बुक नहीं बनाना ठीक है लेकिन प्रीवियस पेपर ही बनाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक, बहुत सारे मार्केट में है जैसे मान ली बैंक एसएससी में भी वो टॉपिक मिलते हैं लेकिन उनका पूछने का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, और यूपीएससी में वही क्वेश्चन अगर आप उल्टा के देखेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल पूछे जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन क्या होते हैं, जीरो होते हैं, कैलकुलेशन होते ही नहीं, आप देखिए कैलकुलेशन नहीं करवाते वो, बस आपके पैटर्न, आपके आईक्यू, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करते हैं ना, वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। इसलिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ओनली सॉल्व द प्रीवियस पेपर, रीड एंड फोकस द सिलेबस एंड गो अहेड फॉर द स्टडी, एंड इफ यू मीट अप द प्रॉब्लम आस्क इमीडिएटली। सर कमला देवी जी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर
मैथ का जो पेपर है वो 10th लेवल का ही आता है, सो हाउ टू प्रिपेयर इट, मतलब वो चीज़ की। ओके, मैथ्स में सबसे पहली बात रियली जो आप बोले आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 10th लेवल उसमें मेंशन है, उसमें सिलेबस में देखिएगा ब्रैकेट में 10th लेवल दिया। तो देखिए मैं बोलूंगा कि मैथ में सबसे पहली बात प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है कि कोई बुक मैंने बोला ऑलरेडी नहीं लेना, उसके लिए आपको टॉपिक लेना, प्रीवियस पेपर उल्टाना है और उसमें देखना है कि कहां कहां से टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए, एक एक टॉपिक मैथ का नोट डाउन कीजिए, लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा टॉपिक वहां मिलेगा जो यूपीएससी में ही पूछता, अदर कोई भी एग्जाम नहीं पूछता, और ऐसा बहुत टॉपिक मिलेगा जो अदर एग्जाम में पूछता है यूपीएससी नहीं पूछता, जो यूपीएससी पूछता वो टॉपिक को आपको नोट डाउन करना और उस टॉपिक पे आपको जाके किसी भी रेफरेंस बुक से कहीं से उसी टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप एक टॉपिक मैथ का लिस्ट बना लीजिए कि यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है, वो आपको प्रीवियस पेपर से क्लियर इसलिए होगा क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में ये चीज मेंशन नहीं है, ये प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ वहां से आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है, और आइडिया जब लगेगा तो उसको आप अपने नोटबुक में एक लिस्ट बनाएंगे और उस टॉपिक को डे बाय डे वन मंथ में कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक कि सी सेट का जो मैथ है आप अगर 20 डेज अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ दीजिएगा तो आपका आराम से मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बच्चे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिकल एनालिटिकल जो थिंकिंग होता है वो बहुत ही अच्छा लेवल का होता है, वो आईएएस आईपीएस लेवल का होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब ये थिंकिंग बस क्लियर करना, ये थिंकिंग कहाँ से क्लियर होगा, एक टॉपिक का लिस्ट बनाइए मैथ का और उस टॉपिक को खोजिए कि कहाँ से हमको इसका रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आप बुक कोई भी ले सकते हैं, प्रीवियस पेपर जरूर बनाइए। सर पलक जी का एक क्वेश्चन है कि मैथ रीजनिंग ज्यादा कौन से पेपर में आता है, मींस सर मतलब मैथ आता है कि रीजनिंग ज्यादा आता है? हाँ, तो देखिए एक चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, देखिए ये दोनों मैथ प्लस रीजनिंग ये भी बता सकता हूँ आइडिया कि वैरी करते रहते, ये दोनों मिला के 55 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं और 25 जो क्वेश्चन होते हैं वार्षिक आते हैं, ये दोनों वैरी करते रहते हैं, कभी अगर मैथ 30 पूछेगा तो रीजनिंग 25 पूछेगा, लेकिन रीजनिंग ही हमेशा ज्यादा पूछता है, रीजनिंग हमेशा 30 पूछता है और ये हमेशा 25 होता है, मतलब हम बताएंगे रीजनिंग का ज्यादा वेटेज होता है और मैथ का थोड़ा सा उसके अपेक्षा कम होता है, लेकिन दोनों मिला के जो आता है 55 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं, ठीक है, अराउंड में बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 100%, लेकिन ये इसी के आसपास रहता है, एक क्वेश्चन ज्यादा एक क्वेश्चन कम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 55 अराउंड मैथ प्लस रीजनिंग एंड रिमेनिंग इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, आफ्टर द मनोज सर एक का क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी में अवेलेबल है क्या आपका सेट करके? हाँ, ये जो मेरा बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये अभी इंग्लिश में है, इंग्लिश में मतलब बहुत ज्यादा डिमांड हो गया, 5000 बुक ऑलरेडी बिक चुका है, आपको ये पता लगेगा, लेकिन ये हिंदी में अभी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश में लिखा गया, नेक्स्ट मंथ में ये हिंदी में भी मिल जाएगा, बहुत सारा डिमांड हो रहे हैं, बहुत बच्चे का डिमांड है, नेक्स्ट मंथ में अवेलेबल हो गई है सर। और ये मिलेगा कहाँ पे? आप डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे, आप अमेजोन पे मेरा नाम लिखेंगे सीसर तो आ जाएगा आपको, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन जिस किसी के भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं? बिल्कुल बेसिक पूछिए। और सर कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स थोड़ा और बता दीजिए तब तक के लिए, कि अगर जो है मतलब जीएस के लिए क्या सर, अगर सी सेट में भी कोई ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं जो हेल्प कर सके? अच्छा, सी सेट में ओके सी सेट में मैं एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। देखिए आरसी में भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, ये देखता हूं मेरे पास होगा, देखिए आरसी में भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, देखिए वर्ड खुलने दीजिए अपन, प्लीज वेट अ व्हाइल। इसको ओवरराइड किया हुआ क्योंकि आज ही मैं ये टॉपिक लिया हूं। देखिए इसमें जो सबसे पहली बात है, ध्यान से देखिए, ये जो है हाँ, ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है ये थोड़ा सा ऑपरेट किया, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पे भी ट्रिक काम करता है, बिल्कुल काम करता है। देखिए जैसे मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे बताया, ये थोड़ा सा ओवरराइड है, मैं कलर चेंज कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है ये जो आपको दिया ग्लोबल पॉपुलेशन के बारे में, ये जो दिया हुआ ये पैसेज जो है ये सी सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने हैं, लास्ट ईयर सेकंड लास्ट ईयर का ईयर में आगे बताता हूँ कब का, ये क्वेश्चन दिया था कि लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंसेज बताने हैं और ये 4 ऑप्शन दिया था। तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि यहाँ पर भी एलिमिनेशन टेक्निक मेरा जो स्मार्ट तरीका जो मेरी बुक में भी दिया और मैं यहाँ पर टेक्निक बुक में जितना दे सका मैं दिया, लेकिन और जो आएंगे नेक्स्ट बुक में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ बताऊँ कि मेरा टेक्निक अब यूज करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डर ही खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को बनाना सबसे पहली बात, तो इसमें जैसे स्ट्रिक्ट जैसे स्ट्रिक्ट वर्ड क्या, जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम वर्ड खोजना, एक्सट्रीम मतलब क्या कि जो हमेशा गलत होता है, जैसे क्रिटिकल जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, ये एक्सट्रीम हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट देखिए स्ट्रिक्ट ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये सब का लिस्ट में बताता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करके दिया हूँ कि जैसे स्ट्रिक्ट है, क्रिटिकल है, ये सब वर्ड हो तो बिल्कुल गलत कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए पैसेज या पैसेज में कभी भी अपने मन से कोई भी सजेशन नहीं देना, देखिए यहाँ पे सेकंड, देखिए फर्स्ट वाले को मैंने कट कर दिया क्रिटिकल देख के, ठीक है,
थर्ड वाले को मैंने स्ट्रिक्ट वर्ड देके किया, ये एक लिस्ट है मेरे पास, मैं हमेशा रिसर्च करता हूँ इस पे, क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ, तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया कि कौन कौन सा वर्ड होगा जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कट हो गया, थर्ड कट हो गया, मैं कलर यहाँ पे और चेंज करता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और देखिए फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर के बारे में क्या है कि स्विच ओवर टू द अदर ऑक्यूपेशन, ना अदर ऑक्यूपेशन पे स्विच करना है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि क्रिटिकल गलत हो गया, एस्ट्रिक गलत हो गया, और इंडिया फार्मिंग स्विच ओवर सूट, मतलब यहाँ पे सजेशन दे रहा, सजेशन कभी भी देगा तो अपना सजेशन नहीं देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर इसको बनाते हैं, तो अभी मैंने बोला था, ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक टेक्निक बताया था, ध्यान दीजिए, अभी ओपन होगा ये अगर ओपन होगा बताते हैं, देखिए अभी मैंने आपको दिया, आपको देख के खुशी होगी कि देखो यहाँ पर रीडिंग कंप्रेसर में मैंने बोला वनली, वनली दिख रहा है ऑप्शन में, वनली जो भी रहेगा वो क्या रॉन्ग होगा, तो वनली यहाँ पे लगा हुआ था, रॉन्ग हो गया ना। अब बोलिएगा सर आरसी में भी ये काम करता है आपका टेक्निक, मेरा टेक्निक इतना काम करता है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि सी सेट तैयारी कर, लगेगा सी सेट इज वेरी फनी वेरी इजी, ये रॉन्ग हो गया। सजेशन देंगे तो सजेशन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ऑल भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने तीनों ऑप्शन को बिना कॉम्प्रिहेंशन को बिना पढ़े हुए मैंने आरसी को बनाया, ऑल ऑप्शन गलत है, वनली गलत है, सजेशन नहीं देना, ये ऑल और वनली मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पे दिखा रहा वनली, ऑल, ऑलवेज, मस्ट, नन, कांट, ये जीएस में भी काम करेगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ अलग तरीके से काम करेगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन सॉल्व आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन लेता हूँ, ये देखिए ये प्रीवियस पेपर का 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए यहाँ पे 2019 लिखा हुआ ना, 2019 मैंने अभी साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में कैन और पॉसिबल बताया था कि कैन रहे तो सही होगा, पॉसिबल सही होगा, तो देखिए यहाँ पे कैन रहेगा तो क्या होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, कैन तो सही होगा, अगर थर्ड सही होगा, थर्ड सही होगा तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या बी और सी, बी और सी में से हमको बस ये चेक करने होगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि फोर्थ सही होगा, अगर फोर्थ गलत होगा तो क्या आंसर हो जाएगा थर्ड, अगर फर्स्ट गलत होगा तो क्या आंसर होगा सेकंड, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले में देखिएगा मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग, ये कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने के बाद नहीं दिया हुआ, तो फोर्थ गलत हो गया, अगर ये फोर्थ गलत हो गया इसका आंसर कितना आ गया बी, मतलब कि बिना पढ़े हुए इसको आपने इलिमिनेशन टेक्निक से आरसी को आराम से 50% सॉल्व कर दिया, 50% देखिए कैन से पकड़ में गया, कैन जो हो गया तो वो क्या होगा सही होगा, तो अगर थर्ड सही होता तो मेरे क्या हुआ थर्ड यहाँ पे है फर्स्ट गलत हो गया लास्ट गलत हो गया, इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन देखिए 2019 का भी बना सकते हैं, कहीं का भी क्वेश्चन आपके हर जगह ये कोई ना कोई ट्रिक काम करेगा, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी जो है एक ही लाइन लेंथ पे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसको समझ पाना उसको उसके उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कोई एक स्मार्ट गाइडेंस जो आपको लगे तो आपको ये क्या लगे बहुत ही ईजी लगे ना, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको गाइडलाइन मिल भी सकता है, घबराने की बात नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन 2019 में फिर देखिए क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे एग्जामिनेशन मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं, होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन हर जगह यूज कर सकते हैं, जीएस में भी एंड सी सेट में भी, सी सेट के सभी पार्ट में भी एलिमिनेशन यूज करते हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना देते हैं बिना पेन उठाए हुए, आप क्यों बना देते हैं, क्योंकि मेरे को पता होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका एक ही तरीका एक ही फॉर्मूला काम करेगा, दूसरा फॉर्मूला वहाँ पे यूज होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, स्मार्ट तरीका की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे 5 लाख 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और मेरे बच्चे भी और आप लोग एग्जाम देते हैं, जिसको वो टेक्निक पता होगा तब तो निकालेगा, टेक्निक नहीं पता चलेगा तो हाउ कैन यू क्वालीफाई, और ये टेक्निक आपको मेरे से बिल्कुल मिल जाएगा, मैं जो अपने रिसर्च करके मैं इसमें काफी मेहनत की और इसलिए बहुत सारे बच्चे आसानी से क्वालीफाई कर रहे हैं। आई थिंक आप कुछ पूछना हो तो और पूछ सकते हैं, मेरे को जो समझ में आया बताया, ये अगर किसी के डाउट्स अगर हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हाँ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आप क्लास को एंड कर सकते हैं ये सेशन को, जी सर, क्योंकि सर का भी बहुत कीमती समय हम लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा हाँ, नहीं है सर से बोला था मैंने कि सर देर से रखते हैं, बट सर की 5 बजे से क्लास थी तो फिर भी सर ने समय निकाला, उसके लिए हम लोग सभी जो है पूरी टीम सर का धन्यवाद करते हैं। सो जिसके भी क्वेश्चन है प्लीज गाइज यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड अप द सेशन नाउ, अगर डाउट्स हैं तो प्लीज रेज हैंड कर लीजिए, अगर नहीं है, मुझे लगा नहीं कि सर के इतने मीनिंगफुल सेशन के बाद आप लोगों के डाउट्स रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग जो है पूरा सेशन सुना है, कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि जो है सर लेट ज्वाइन हुए थे थोड़ा सा, तो अगर जो लोग लेट भी ज्वाइन हुए थे तो वो लोग भी प्लीज अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। तो सर लगता है कि आपके जो भी आपने पढ़ाया तो उससे रिलेटेड बच्चों के डाउट्स बिल्कुल ना के बराबर हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एलिमिनेशन टेक्निक वाली पीडीएफ है सर वो प्लीज मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, अगर उसका सर मेरे मतलब एक मेरा जो आईएएस का चैनल है आईएएस विद सुधांशु सर, ओके, ये सब बच्चे इस पे आपको वो एलिमिनेशन टेक्निक में बहुत जल्दी कुछ डाला भी और कुछ डाल भी दूंगा, ठीक है, आईएएस विद सुधांशु सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ना, उसपे मैंने मतलब फर्स्ट 2 सेशन इस पे मैंने पढ़ाया था ना बच्चे की बहुत डिमांड के कारण, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएगा, ये जो है आईएएस
इसमें मैं बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सभी बच्चे। ये देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये यही मेरा चैनल है। और पीयूष सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को मतलब इनवाइट किया आप लोग से मिलवाने का मौका मिले। और पीयूष सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत इंटरेस्ट था, बहुत एक्साइटेड था आप लोग से मिलने के लिए। इसलिए ऑल द बेस्ट सभी को। और आप लोग कोई भी टेक्निक जरूरत पड़े तो पीयूष सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। और पीयूष सर जब भी बुलाएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। तो सर जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग हमेशा एंड करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। सो गाइस स्टे मोटिवेटेड, कल मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल सेशन के साथ, ऐसे ही किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ जो आपको हेल्प कर सके अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस समय निकाल के हम लोगों को दिया। तो सर एंड में एंडिंग रिमार्क्स अगर कुछ आप देना चाहें तो आई हैंड ओवर द सेशन टू यू, और उसके बाद एंड करते हैं। सर एंड में क्या बोले देने की आवाज नहीं आई सर। सर अगर एंड में बच्चों को कुछ एंडिंग रिमार्क्स आप देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से तो... नहीं, मेरे को काफी अच्छा लगा, मेरे को यहाँ पे जितने भी मेरे साथ जुड़े रहे स्टूडेंट, मैं उनको बस यही विश करूंगा कि आप लोग का रिजल्ट आए और आप लोग पंचवर्षीय योजना में ना पड़े, आप लोग स्मार्ट बने, आप लोग मेहनत कम करें और दिमाग ज्यादा लगाए। आज के युग में जो भी कंपटीशन ज्यादा है, मैं अपनी बात को कंक्लूड यही भी करूंगा क्योंकि आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और गाइडेंस में भी कुछ यूनिक गाइडेंस, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई भी बुक पढ़ने, मैंने बोला कोई बुक बोला, आपको अपना दिमाग लगाना, अपना आपको जो सही लगे जैसे लगे, तो आपके नाम के आगे जब आईएएस जुड़ेगा दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग ना। तो मैं बोलूंगा कि आपको एक तरीका अपनाना, अपने अनुसार अपनी एफिशिएंसी के अनुसार एक अच्छा सा रणनीति बनाना है, उस रणनीति पे ध्यान देंगे शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी, मेहनत बिल्कुल करते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी वी विल डेफिनेटली आस्क यू टू टेक अ सेशन, और मुझे पूरी आशा है कि आप दोबारा हमारे से जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।